अभिषेक जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुबह सुबह का वक्त है और ये देखिए ये संस्कार है कि पहले पूजा करिए और उसके बाद। अभिषेक जी आज कितना वक्त कठिन है और क्या कहेंगे आज के दिन जब आज परीक्षा की घड़ी है? बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है, जिस परीक्षा के हम लोगों ने मजबूती से तैयारी की है, जिस परीक्षा के लिए जान लगा करके मेहनत की है, जिस परीक्षा के लिए संघर्ष किया है, जिस परीक्षा के लिए हम लोगों ने लोगों के घर दरवाजे गली मोहल्ले एक एक बाजार तक गए, एक एक नुक्कड़ खटखटाए हैं, उसका आज इम्तिहान लिखने का वक्त है और तैयारी की है 100 में 100 नंबर पाने की। ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से जीत गए। मैंने देखा कि आप ईश्वर के दर पर थे जी, सुबह माथा टेका पत्नी के साथ जी। जाहिर है मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मांगा होगा, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बिल्कुल यही मांगा है कि ईश्वर इज्जत बचा करके रखे, हम लोगों ने जिसके लिए संघर्ष किया है, तैयारी की है, उत्तर प्रदेश को सरोजनी नगर को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, एक जिम्मेदार व्यवस्था देने के लिए, उसके लिए हमने आज भगवान से मांगा है कि हम लोगों को मौका मिले और हम ईमानदारी से काम कर सकें, सरोजनी नगर जीत करके आए और उत्तर प्रदेश जीत करके आए, बहुमत की सरकार बनाए और जिम्मेदार सरकार चलाए। अच्छा, आज वैसे तो 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन राजधानी और राजधानी की सरोजनी नगर जो सबसे हॉट सीट बन गई है, एक प्रोफेसर हैं और एक डायरेक्टर रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, क्या आप किसी तरह का टफ कंपटीशन मानते हैं राजेश्वर सिंह से? देखिए आज जनता चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस मजबूती से मन बना रखा है, इतना परेशान हुई है, इतना अपमानित हुई है, इतना जलालत झेली है, इतना लोगों ने करप्शन झेला है, इस तरह कोविड झेला है, करप्शन के आप पराकाष्ठा पहुंच गई है, कोविड में लोगों कमर टूट गए, व्यापार बंद हो गए, नौकरियां चली गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई बढ़ गई, 70 रुपए का तेल 250 रुपए बिक रहा है, तो जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव करना है। एक बदलाव की बड़ी बयार चल रही है, आपने देखा होगा पहले 3 फेजेस में बड़ा आप मैसेज गया है और वही आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन आप अखिलेश यादव के बेहद भरोसेमंद आप माने जाते हैं, अखिलेश यादव ने 3, ये चौथा चुनाव है आपका, मुझे जहां तक याद है 10 साल में चौथा चुनाव है, 2012, 2017, 2019 और 2022 लगातार, बीच में 14 भी आया था, 17 और 22, हाँ ये चौथा आपका चुनाव है, आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, सीट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी जब आपने वहां काम किया था? बेशक आप हार गए थे लेकिन बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे, अच्छा चुनाव आप लड़े थे, अचानक लास्ट मोमेंट पर सीट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा लग रहा था कि उस सीट पर आप नहीं जीत पाएंगे? देखिए पहले चुनाव के मुकाबले दूसरे चुनाव मुझे लगभग दुगने वोट मिले थे, लेकिन ये निर्णय, और 5 साल में 10 साल उस क्षेत्र में काम किया था, लेकिन ये निर्णय कि कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कैसा लड़ेगा, कितना लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, कौन सा नहीं लड़ेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी निर्णय लेती है। तो ये जहां हम लोगों को आदेश मिला, हम पार्टी के सिपाही हैं, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ वहां चुनाव लड़ा और वहां पर जीत करके आएंगे। और हमने पहले भी देखा, आपने देखा होगा कुछ लोग गुजरात से बनारस लड़ने आ गए, तो हमारा तो मेरी तो सीट 1 किलोमीटर दूर, लोकसभा में पूरा क्षेत्र मेरा था, 8 साल से क्षेत्र में बना हुआ हूं, 8 साल से लोगों के बीच रहा हूं, निश्चित रूप से लोगों का प्यार विश्वास है जीत के आएंगे। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, क्या ब्राह्मण आप पर भरोसा कर रहा है क्योंकि इकलौते कैंडिडेट हैं आप? हर वर्ग भरोसा कर रहा है, सब साथ दे रहे हैं, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, जितने हो सब भरोसा कर रहे हैं, सबका प्यार विश्वास में जीत के आएंगे। जीत कराएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।